जब हम लोग एंड में स्कोरबोर्ड देखते हैं तो ऐसा लगता है 50 रन थे या 30 रन थे, पर जैसे मैंने बोला वो उस चीज़ को हमें तब रिकग्नाइज़ करना चाहिए जब हम सिचुएशन के बीच में हो और ना कि बाद में। तो आई थिंक वो एक चीज़, हमें पता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हम बार बार ये नहीं बोल सकते अपने आप को कि हाँ हमने कम्पीट किया, क्योंकि जब हम इतना पास होते हैं रिज़ल्ट के, तो लाइन क्रॉस करने का भी एक आर्ट है जो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम में एबिलिटी है तभी हम रिज़ल्ट के पास आ रहे हैं, और हमको उस एबिलिटी में बिलीफ भी है। बट जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो उसमें हम कैसा रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ पे आई थिंक हमें और थोड़ा काम करना है, और जो कि सब लोग करने को रेडी हैं, और हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है, और अभी भी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि लास्ट टेस्ट मैच में हमें इंटेंसिटी से नहीं खेलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिकेट खेलने इन्जॉय किया है, हमने यहाँ पे क्रिकेट को बर्डन की तरह नहीं लिया है, और हम लोग लास्ट टेस्ट में भी वही जाके करेंगे जो हमने हर टेस्ट मैच में किया है, और एक अपॉर्चुनिटी है अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का और आगे के लिए सीखने का, कि जब जैसे मैंने बोला कि प्रेशर सिचुएशन आएगी तो उसको कैसे कैपिटलाइज करना है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि लास्ट टेस्ट मैच में उसको ठीक करें।